Good morning, students. Welcome back to Sri GM Dunda e-learning class. I am your English teacher Priyanka Srivastav, and today we are going to study worksheet number 5, the Paralympic Games. Students, you might have heard about Olympic Games. The Olympic Games are an international sports festivals held for every 4 years. In the same way, the Paralympic Games are also held for every 4 years. After the Olympic Games, Paralympic Games are for disabled candidates. So now let's go to our textbook and learn more about Paralympic Games. You may have heard of the Olympic Games, but have you heard of the Paralympic Games? Students, यहाँ जो worksheet के speaker है वो ये कह रहे हैं कि आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पैरालंपिक गेम्स के बारे में सुना है कि ये वो क्या है और कौन सी गेम है, किस तरह खेला जाता है? दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज जस्ट लाइक ओलंपिक गेम्स. ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट गेम है वो सेम एज ओलंपिक गेम की तरह है. एथलेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इन एथलेटिक्स. यानी कि इस गेम में, पैरालंपिक गेम में, जो एथलेटिक्स यानी जो कैंडिडेट्स जो है वो हर पूरे वर्ल्ड के हर जगह से आते हैं और अलग अलग तरह की गेम्स में खेलते हैं और एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं. कॉम्पिटिशन होती है जिसमें बहुत सारे एथलेटिक्स कैंडिडेट्स उसमें वहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं. और गेम्स कौन से होते हैं? एथलेटिक्स, शूटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड 18 अदर गेम्स होते हैं. द ओनली डिफरेंस, द एथलेट्स एट द पैरालंपिक्स हैव अ रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज. यानी कि यहाँ पर स्पीकर क्या कह रहे हैं कि पैरालंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ओलंपिक गेम्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और जो पैरालंपिक गेम्स के कैंडिडेट्स होते हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटीज होते हैं. सम ऑफ देम डू नॉट हैव आर्म्स और लेग्स एंड सम ऑफ अदर्स कैन नॉट सी. यानी कि कैंडिडेट्स पैरालंपिक गेम्स में कैसे होते हैं, जिनके कभी आर्म्स नहीं होते, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स होते हैं पैरालंपिक गेम्स में. हाउएवर दिस एथलेट्स आर डिटरमाइंड टू टर्न their disability into an ability, something that can win them medals and do their for their nation proud. यानी कि यहाँ पर जो पैरालंपिक गेम्स इसलिए रखा गया है ताकि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो अपने डिसेबिलिटीज को दूर हटाकर अपने में कुछ नई एक एबिलिटी जगाएं और आगे बढ़े और अपने अपने अच्छे कामों से मतलब से देश को प्राउड फील करें और वो खुद की नज़रों में कभी अपने आप को वीक ना महसूस करे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने आप में कोई नई इंटेलिजेंसी इम्प्रूव करता है और इस फील्ड में आगे बढ़े, इसलिए पैरालंपिक गेम्स बनाया गया है. द पैरालंपिक गेम्स वेर फर्स्ट कंडक्टेड इन 1948 इन लंदन. पैरालंपिक गेम्स जो है वो पहले कहाँ पर कंडक्ट किया गया था, 1948 में लंदन में. इट वॉज फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स हु हैड बीन इंजर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू. ये जो था पैरालंपिक गेम्स वो कब किसके लिए खेला गया था, ब्रिटिश सोल्जर के लिए जो वर्ल्ड वॉर टू के वक्त इंजर्ड हो गया था, उसे चोट लग गई थी. दिस फर्स्ट गेम्स वर कॉल्ड द व्हीलचेयर गेम्स. दे वर अ बिग सक्सेस. द सोल्जर्स हु हैड थॉट दैट दे वुड नेवर बी एबल टू टेक द पार्ट इन स्पोर्ट्स गेम अगेन गॉट अ चांस टू प्ले एंड विन. यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के वक्त जो सोल्जर्स के किसी के हाथ नहीं रहे, किसी के पैर नहीं रहे, मीन्स ऐसे डिसेबल सोल्जर्स थे जिनको ऐसा लगा था कि कभी वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उनके लिए ये गेम रखा गया था और वो उन्होंने क्या किया है, व्हीलचेयर गेम उन्होंने खेला था वो, तो इसमें उन लोगों ने जीता भी और आगे बढ़े, तो इसलिए ये गेम ने उनको नई उम्मीद जगाई कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं. सिंस देन द पैरालंपिक गेम्स हैव ग्रोन. टुडे ओवर 3900 एथलेट्स हैव फ्रॉम 146 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन देम. यानी कि अब जो पैरालंपिक गेम्स है वो सब पहले से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और इसमें 3900 एथलेटिक्स यानी कि कैंडिडेट्स जो है 146 कंट्रीज में से आते हैं और पार्टिसिपेट इसमें होते हैं. एवरी 4 ईयर्स व्हेन द ओलंपिक्स आर हेल्ड द पैरालंपिक्स आर हेल्ड टू. यानी कि हर 4 साल में ये गेम एक बार आती है, जब ओलंपिक गेम्स होती है तो उसके साथ साथ ये पैरालंपिक गेम्स भी कंडक्ट किया जाता है. नेक्स्ट पेज. इंडिया टुक पार्ट इन द पैरालंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968. हमारे इंडिया कंट्री ने पैरालंपिक गेम्स में फर्स्ट टाइम कब पार्ट लिया था, इन द ईयर 1968 में. मुरलीकांत पेटकर गेव इंडिया इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द गेम्स. मुरलीकांत पेटकर करके जो एथलेट है उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया था
इस गेम में इन द ईयर 1972 पेडकर हैड बीन अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. पेडकर जो थे वो इंडियन आर्मी के एक सोल्जर थे. ही हैड बीन सीरियसली इंजर्ड बाय गन फायर ड्यूरिंग अ वॉर. ड्यूरिंग वॉर के वक्त मतलब वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे बाय गन फायर से. इसलिए वो उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी में आगे कुछ कर नहीं पाएंगे. लेकिन जब वो पैरालंपिक गेम्स में गए तो उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल से जितवाया. बट पेडकर डिड नॉट गिव अप ऑन हिज लव फॉर स्पोर्ट्स. ही टुक अप स्विमिंग एंड वॉन द गोल्ड मेडल इन 50 मीटर रेस. मुरलीकरण पेडकर ने अपनी हार नहीं मानी. उनको गन फायर की वजह से चोट लगने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए. लेकिन उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो उनका इंटरेस्ट था उन्होंने कम नहीं होने दिया. उन्होंने स्विमिंग में पार्ट लिया और गोल्ड मेडल प्रोवाइड किया इंडिया को इन 50 मीटर रेस में. पेडकर स्विमिंग इंस्पायर्ड मैनी अदर्स विथ डिसेबिलिटीज एंड नाउ इंडिया टेक्स अ पार्ट रेगुलरली इन द पैरालंपिक गेम्स. यानी कि पेडकर ने इस तरह दूसरे अदर डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स को इंस्पायर किया ताकि वो भी दूसरे इनकी तरह आगे बढ़े और अपने अपनी कमजोरी को कमजोरी ना बनाए ताकि इसको ताकत बनाए ताकि वो आगे जिंदगी में कुछ कर सके. और इस तरह इंडिया के हर फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो है पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट हो रहे हैं. स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्कशीट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.